IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आपका IVTV में और मैं हूं आपके साथ सुशी श्रीवास्तव। पटना हाईकोर्ट कैंपस स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच से कथित तौर पर वकीलों के बैंक खातों की डिटेल्स लीक होने से अधिवक्ताओं में हड़कंप मच गया है। बता दें, कई अधिवक्ताओं ने इंटरनेट मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर इसकी शिकायत की है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। वकीलों का कहना है कि उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया और KYC के लिए उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई। कई अधिवक्ताओं का कहना था कि कॉल करने वाले छात्र के पास उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद थी। गौरतलब है कि SBI से अधिवक्ताओं के बैंक खातों का डाटा लीक होने से यहाँ के खाता धारकों में चिंता का विषय बना हुआ है। वकीलों ने इसे साइबर क्राइम बताते हुए प्रशासन से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। वकीलों का कहना है कि जरूर इस मामले में किसी बैंक कर्मचारी की मिलीभगत हो सकती है। मिली जानकारी के अनुसार एक अधिवक्ता ने इस बात की शिकायत साइबर सेल में भी की है। अधिवक्ता का कहना है कि सोमवार की सुबह उन्हें एक नंबर से कॉल आया जिसके जरिए उनसे KYC के लिए व्यक्तिगत डिटेल्स के साथ साथ कई जानकारी मांगी गई। अधिवक्ता ने चतुराई दिखाते हुए जब डिटेल्स देने से मना कर दिया तो कॉलर ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कॉल काट दिया। कई अधिवक्ताओं ने शक जताया है कि ये काम बैंक कर्मियों की मिलीभगत से हो रहा है। इस गंभीर मामले में प्रशासन को स्थिति का अवलोकन कर जल्द कार्रवाई करने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि पटना में साइबर छात्रों की सक्रियता बढ़ी जा रही है। मोबाइल और बैंक के KYC के नाम पर बड़ी संख्या में वारदात हो रही है। पुलिस से शिकायत के बाद भी वारदात कम नहीं हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहे IVTV। हम YouTube पे सब्सक्राइब करें, Facebook पे लाइक करें और Twitter पे फॉलो करें। धन्यवाद।